देखो, जैसे ही हमारा टाइल का वर्क कंप्लीट होता है तो हमें कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ता है, लेकिन पे करने से पहले चेक कर लेना आप अगर उसको 16 रुपये पर स्क्वेयर फीट या 17 रुपये 18 रुपये स्क्वेयर फीट दे रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, क्या उसने उस क्वालिटी का काम आपको करके दिया है कि नहीं दिया है, ये आपका चेक करने का फ़र्ज बनता है। तो आज कुछ ऐसी ही मैं 8 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जैसे आपकी टाइल वर्क कंप्लीट हो जाता है आपको पे करने हैं कॉन्ट्रैक्टर को, उससे पहले क्या चीज़ें चेक करनी है कि आप उसका डिडक्शन कर सको, आप पैसा थोड़ा कम कर सको कुछ रीजंस को लेके कि ये गलती है तो इसका हमें वो दो, क्योंकि एक बार पैसे दे दिए फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो ना सही करके देगा ना वो देखने चेक करने आएगा। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपको क्या देखनी है, जो स्कर्टिंग हमारी हुई होती है, ठीक है, स्कर्टिंग सब समझ रहे हो स्कर्टिंग की होती है, जो सामने आप देख रहे हो स्कर्टिंग के साइड पे सीमेंट लगाया जाता है, उसमें 1:1 का माल बनता है, मोटार बनती है, 1:1 में सीमेंट होता है, 1 में सैंड होती है। जब वो लगाई जाती है तो उसके अगर प्रॉपर क्यूरिंग नहीं की गई 3-4 दिन, ऐसे तो 7 दिन क्यूरिंग करनी होती है, तो आपको कुछ ऐसे क्रैक्स उसमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप क्रैक्स सामने देख रहे हो, ये काफ़ी बड़ी गलती होती है, अगर ऐसे क्रैक्स आपको दिखे तो वो थोड़े टाइम बाद वो जो सीमेंट होगा वो बिल्कुल ऐसे मिट्टी जैसा बन जाएगा और आपकी स्कर्टिंग निकलने लग पड़ेगी। यही कारण होता है कि जो वर्टिकल टाइल्स होती है, डेडो टाइल्स होती हैं, बाथरूम की हो गई, किचन की हो गई, या टॉयलेट की हो गई, या स्कर्टिंग हो गई, वो निकल जाती है। किस कारण? कि उसको जहाँ जो एक्सपोज्ड एरिया होता है वहाँ पे क्यूरिंग प्रॉपर से नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ है, ऐसे क्रैक्स बन जाते हैं, तो ये आपको चेक कर लेना कि ऐसे क्रैक्स तो नहीं दिख रहे, ऐसे क्रैक्स दिख रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हो ये गलती है। दूसरी जो गलती होती है, आपको क्या करना है, टाइल की चेक कर लेना है। जैसे टाइल एक बार लग जाती है तो आपको कोई भी एंकल हो गया, आपका हाथ हो गया, उंगली हो गई, उससे जो टाइल होती है उसको मार के देखना है, जहाँ साउंड ऐसे लगता है आपको ढोल की तरह खाली सी साउंड लग रही, जैसे आप साउंड सुनो, ऐसी कुछ साउंड लगे तो मतलब वो टाइल नीचे से खाली है, उसमें प्रॉपर से नीचे सैंड और सीमेंट का मोटार नहीं है, तो वो टूट सकती है। जैसे अगर बाई चांस उस पर हैवी लोड नहीं, अगर कोई ज़ोर से चलेगा भी तो वो टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो अगर खाली नहीं होगी नीचे से, कुछ ऐसी टाइल वो दिखेगी जैसे आप मारोगे, तो ऐसे आपको किसी भी चीज़ से आप मार के देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ नीचे खाली है यहाँ नहीं, और ये आपको दिखा सकते हो उसको। और ये काम आपको तब कर लेना है जब आपकी ग्राउटिंग नहीं हो, एक बार ग्राउटिंग हो जाए फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है सब सही करने में। अगर ग्राउटिंग नहीं हुई है उससे पहले चेक करके आपको उसको बता दो, वो सीमेंट स्लरी बना के नीचे डाल देते हैं, थोड़ा बहुत इफेक्ट उससे ठीक हो जाता है, मतलब बजना और थोड़ा कम हो जाता है, मतलब सही हो जाता है, ये आपको चेक कर लेना। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, जो भी ग्राउटिंग की जाती है, आप ग्राउटिंग देख रहे हो, ग्राउटिंग क्या होती है, हम ग्रुप छोड़ते हैं 3-4 mm का, तो वो प्रॉपर ग्रुप छोड़ के उसमें प्रॉपर ग्राउटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपको चेक करना बनता है। क्योंकि देखो, अगर उसमें प्रॉपर ग्राउटिंग नहीं होगी, आगे पीछे होगी या कुछ चीज़ें खाली रहेगी, जैसे यहाँ खाली रहेगी, बहुत बड़ी गलती होती है, तो आपको जो भी कलर की ग्राउटिंग है वो चेक कर लेंगे प्रॉपर उसमें फिल की है नहीं की है, फिर जहाँ वाइट सीमेंट लगाया जाता है वहाँ वाइट सीमेंट लगा है नहीं लगा है, ये सब चीज़ें चेक करनी होती हैं, फिर ही उसको आपको पे करना होता है। अगली चीज़ आपको देखनी है, जो बाथरूम है किचन है उसमें उसने स्लोप प्रोवाइड की है, क्योंकि आपने स्लोप तो मेंशन की होती है कि यहाँ मैन होल है, यहाँ से पानी यहाँ जाना चाहिए, ऊपर शॉवर लगा है, यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, लेकिन अगर आपने फिर पानी फेंक के देखने की स्लोप है नहीं है, देखो एक बार टाइल लग गई दिक्कत तो होती है, कुछ हो नहीं पाता है जब, क्योंकि टाइल तोड़ के सब करना पड़ेगा, लेकिन आप वो पैसा डिडक्शन करके बाई चांस बाद में रिपेयरिंग या मेंटेनेंस करवानी पड़ी तो वो पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप उसको पैसा दे रहे हो मन चाहा, जो उसने मुंह पे बोला वही पैसा आप दे रहे हो। अगर वो आपको स्लोप नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, आपकी टाइल फिक्स नहीं अच्छे, तो किस चीज़ का पैसा है? ऐसे तो कोई भी लेबर या कोई भी इसको टाइल को लगवा देगा, ठीक है, ये चीज़ चेक करनी है। और दूसरी चीज़ होती है, क्योंकि सीमेंट और सैंड ये सब चीज़ें काफ़ी यूज़ होती हैं जब टाइलिंग वर्क हो रहा होता है, तो आपको चेक करना है जो टाइल होती है थोड़ी रफ सरफेस होती है उसमें सीमेंट तो नहीं फंसा होता, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने देखा है, जैसे सामने टाइल देख रहे हो यहाँ सीमेंट रह जाता है, और ये सीमेंट साफ करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरी टीम जैसे आप मार्केट से टाइल लेके आए थे वैसी आपको वहाँ दिखनी चाहिए, ये नहीं है कि आपको उसकी फिनिशिंग या सफाई करनी पड़े तो वो इन्वेस्टमेंट किस बात की, तो ये आपको पहले ही उससे साफ करवानी है। और ये चीज़ आपको ध्यान तब रखनी होती है जब टाइलिंग वर्क हो रहा होता है, उसी दौरान आपको चेक करते रहना है डे बाई डे, तो उससे क्या होगा, क्वालिटी अच्छी रहती है और साफ़ सफाई बनी रहती है, ये चीज़ें आपको पहले चेक कर लेनी है। अगली चीज़,
जो टाइल है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो टाइल है आपने देखा होगा कि टाइल कभी कभी ऑफसेट रह जाती है, ऊपर नीचे रह जाती है, और ये क्या बोलता है जो कॉन्ट्रैक्टर होगा जो काम कर रहा है वो बोलता है कि टाइल बेंड आ रही है, जो पीछे से ही बेंड है। चलो कुछ टाइल बेंड आती हैं, गजारिया की मोस्टली टाइल मैंने देखी है दो बाई चार की, जो बड़े पैनल्स रहते हैं वो बीच में से बेंड रहते हैं, ये कजारिया की बहुत ख़राब चीज़ है, डिसएडवांटेज है। इतना आदमी 60 से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट इन्वेस्ट कर रहा है फिर भी अगर बेंड टाइल मिली तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये मोस्टली आती है इसकी, तो आपको क्या करना है जो उसके चार कॉर्नर होते हैं टाइल के, वो चार कॉर्नर एक दूसरे के सामने बिल्कुल एग्जैक्ट एक लेवल पर मिलने चाहिए, चारों कॉर्नर। अगर वो चारों कॉर्नर एग्जैक्ट एक दूसरे से मिले हुए हैं तो बीच से अगर बैंड दिख रहा है तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये टाइल ही बैंड है। अगर वो चार कॉर्नर भी एक दूसरे से नहीं मिले हैं प्रॉपर से और बीच से बहुत ज़्यादा है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हो कि ये चार कॉर्नर ही नहीं मिले हैं तो बीच से बैंड आप कैसे बोल सकते हो। अगर एक बार चार, क्योंकि जो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, जो अच्छा मिस्त्री रहेगा, वो क्या करेगा चारों कॉर्नर मिलाएगा एक लेवल पर, वो मिला देते हैं। जब चारों कॉर्नर एक लेवल पर मिल जाते हैं फिर बीच में से अगर बाई चांस बैंड भी है तो वो थोड़ी बहुत दिखती है, ज़्यादा नहीं, इतनी ज़्यादा बैंड भी नहीं होती, 1-2 mm का बैंड होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दिखता है अगर पूरा लेवल सरफेस होगा, और 1-2 mm का बैंड भी काफ़ी ज़्यादा उसमें दिखने लग पड़ता है। तो ये चीज़ भी आपको चेक कर लेनी है कि आपकी टाइल बैंड है या कॉर्नर मिले हुए हैं नहीं मिले हुए, ये चीज़। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एसिड वाश के बारे में, ये कमेंट्स भी काफी आते हैं कि सर जो केमिकल यूज करते हैं एसिड वॉश, एसिड वॉश क्या हुआ वो, जिससे हम टॉयलेट नहीं साफ करते, अपनी जो सीट्स रहती हैं उनको साफ किया जाता है, जो सामने आप केमिकल भी देख रहे हो, तेज केमिकल आपको बोलेंगे, तो इससे वो यूज़ करके साफ करते हैं, क्या हमें वो यूज करना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि देखो किसी भी टाइल पे ये नहीं लिखा होता है कि उसको आपको किससे यूज़ करना चाहिए, मतलब केमिकल यूज़ करना चाहिए। देखो ये ख़राब चीज़ है, मेरे ख्याल में एसिड वाश नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा सीमेंट लगा है तो फिर एसिड वाश आप उसको डिल्यूट फॉर्म में, मतलब कंसंट्रेटरी फॉर्म में, मतलब पानी उसमें अच्छे से मिक्स कर लो और उसके बाद उससे वॉश करो तो ठीक है। अगर एकदम आप एसिड डालोगे जो शाइनिंग होगी, जो टाइल का खुद का कलर होगा, वो शायद फेंट हो सकता है, सेरेमिक टाइल पे इस ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है विट्रीफाइड से। तो ये मेरे ख्याल में मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप केमिकल से इसको वॉश करो, इससे अच्छा है कि जब टाइलिंग लग रही है तभी, अगर डेली साफ़ किया होगा तो आपको एसिड वॉश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्टर को पहले समझा लेना। तो ये कुछ चीजें होती हैं कि आपको ये चेक करनी है, मैंने आपको टोटल 7 चीजें बताई, पैसे देने से पहले ये चेक कर लेना कि ये सही है नहीं है, क्योंकि अब हमारी सीरीज़ ये टाइल की सीरीज़ ख़त्म हो रही है, प्लेलिस्ट इस पर बन चुकी है, 6 से 7 वीडियोस थी, जो वीडियोस आप 6 से 7 देखोगे आप गारंटी है सीख जाओगे कि कैसे टाइल लगवानी है, क्या रेट है, वो सब चीज़ें उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, सब में प्लेलिस्ट अलग से है, टाइल वर्क पे हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज़ में भी ऐड है ये सब, तो आप देख के आइडिया ले सकते हो, सीख सकते हो, और ये 7 चीज़ें जरूर चेक करना, उसके बाद आप पे कर सकते हो, क्योंकि 16 से 17 रुपये पर स्क्वायर फीट दे रहे हो, 1000 स्क्वायर फीट का अगर घर है तो काफ़ी ज़्यादा आपका 17 से 18 हज़ार रुपये आपका उसमें लग रहा है, 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में ही सिर्फ, बाकी स्कर्टिंग का अलग, तो ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी है, ठीक है। ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, बस आप प्यार देते रहिए, कमेंट करिए जो चीज़ें पसंद आती हैं, और जो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, डेली अपडेट लाते रहेंगे। थैंक यू गाइस।